इस वीडियो में हम बात करेंगे 2021 की फिल्म ऑफिशियल कंपटीशन के बारे में, जो कहानी है लोला, फीलिक्स और इवान की, जो हुम्बेर्टो नाम के एक रईस आदमी के लिए एक फिल्म बनाने के लिए साथ जुड़े। हुम्बेर्टो सुआरेज नाम का एक अरबपति 80 साल का हो चुका था और एक दिन वो ये सोचने लगा कि उसने एक लेगेसी तो बनाई है, पर वो चाहता है कि लोग उसकी लेगेसी की तरफ गर्व और प्यार से देखें। वो चाहता था कि उसकी मौत के बाद भी लोग उसे याद रखें। इसलिए वो कोई स्टैचू या ब्रिज बनवा सकता है, पर वो कुछ बेहतर करना चाहता था। उसने अपने असिस्टेंट मातियास से कहा कि वो एक ऐसी फिल्म को फाइनेंस करना चाहता है जिसे सबसे बेहतरीन डायरेक्टर बनाए और उस फिल्म में सबसे मशहूर एक्टर्स काम करें। अपनी फिल्म के लिए उसने लोला नाम की एक डायरेक्टर को चुना, जो अपनी फिल्मों के लिए हर एक अवार्ड जीतती है। मातियास ने बताया कि लोला एक बेहतरीन फिल्म मेकर तो है, पर थोड़ी अजीब है। फिल्म की कहानी के लिए राइवलरी नाम की एक नॉवल चुनी गई, जिसे नोबेल प्राइज मिला है, और लोला ने बताया कि इवान और फीलिक्स नाम के दो एक्टर्स इस फिल्म के लिए सही रहेंगे, मगर परेशानी ये थी कि उन दोनों के काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि इवान एक महान मेथड एक्टर है और फीलिक्स सिर्फ एक हॉलीवुड सुपरस्टार। लोला ने बताया कि ये फिल्म पेड्रो और मैनुएल नाम के दो भाइयों की कहानी है। एक रात शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए मैनुएल ने अपने माता पिता को मौत के मुंह में धकेल दिया और पेड्रो इसके लिए उसे कभी माफ नहीं कर पाया। हुम्बेर्टो उसी कहानी में गुम होने लगा और जल्द ही लोला फिल्म बनाने की तैयारी करने लगी, मगर लोला के तरीके अजीबोगरीब थे और जल्द ही ये बात इवान और फीलिक्स को भी पता चलने वाली थी। जैसे ही वो दोनों लोला से मिले, इवान ने लोला की बताई अजीब सी फाइल देखी, जिसके बाद लोला उससे पूछने लगी कि वो अपने किरदार पेड्रो के बारे में क्या सोचता है। एक मेथड एक्टर के तौर पर जो कुछ इवान ने कहा, वो फीलिक्स के सर के ऊपर से चला गया, क्योंकि फीलिक्स के लिए एक्टिंग का मतलब सिर्फ डायलॉग्स पढ़कर सुनाना है। ये सुनकर इवान अपनी मेथड एक्टिंग का एक एक्सरसाइज दिखाने लगा और चिल्ला चिल्ला कर अपने आप को बुलाने लगा। कुछ देर बाद स्क्रिप्ट की रिहर्सल शुरू हुई और लोला इवान से बार बार एक ही लाइन दोहराने के लिए कहने लगी। जब तक इवान ने वो लाइन ठीक से नहीं कही, तब तक लोला रुकी नहीं। रिहर्सल्स खत्म होने पर फीलिक्स मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग में लग गया और इवान अपनी एक्टिंग स्कूल में स्टूडेंट्स को एक्टिंग का सही मतलब सिखाने में लग गया। अगले दिन फीलिक्स के असिस्टेंट ने बताया कि फीलिक्स रिहर्सल में देर से आएगा, क्योंकि उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ गया, और जब वो वहाँ आया तो रिहर्सल शुरू करने से पहले चिल्लाने की एक्सरसाइज करने लगा और उसकी इस एक्सरसाइज ने इवान को परेशान करना शुरू कर दिया। लोला अचानक कहने लगी कि वो इवान को रोते हुए देखना चाहती है। इवान ने कहा कि वो टेक के दौरान रो लेगा, पर लोला की जिद देखकर फीलिक्स ग्लिसरीन लगाकर रोने लगा और ये साबित करने लगा कि वो इवान से बेहतर एक्टर है। रिहर्सल्स करते हुए इवान ने कुर्सी तोड़ दी, जिसकी वजह से फीलिक्स को चोट लगी और गुस्से में वो वहां से चला गया, पर किसी तरह लोला ने उसे मना लिया। वो दोनों दोबारा एक्टिंग करने लगे और इस बार उन्होंने अपना काम बेहतर तरीके से किया। वो अपने किरदारों में घुस गए और ये देखकर लोला खुश हो गई। उस दिन फीलिक्स को यकीन होने लगा कि वो लोग एक बेहतरीन फिल्म बना लेंगे और इवान भी स्पीच देने की प्रैक्टिस करने लगा, क्योंकि उसे यकीन था कि वो इस फिल्म के लिए एक अवार्ड जीत जाएगा, मगर वो और फीलिक्स आने वाली एक्सरसाइज के लिए तैयार नहीं थे। एक सीन के लिए इवान और फीलिक्स को डरने की एक्टिंग करनी थी, इसलिए लोला ने टेंशन पैदा करने के लिए उन दोनों को एक बड़े से पत्थर के नीचे बिठाकर रिहर्सल करवाना शुरू किया। काम पूरा होने के बाद लोला ने उन्हें बताया कि वो पत्थर असल में कार्डबोर्ड का बना हुआ था और लोला की इन अजीब सी हरकतों से इवान थकने लगा। कुछ दिनों बाद लोला ने फीलिक्स और इवान से कहा कि वो उन दोनों के जीते हुए अवार्ड्स देखना चाहती हैं, इसलिए अगले रिहर्सल में उन्हें अपने अवार्ड्स अपने साथ लाने होंगे। एक परफेक्शनिस्ट होने की वजह से लोला को कुछ भी सही नहीं लग रहा था, पर उससे ज्यादा परेशान उसकी असिस्टेंट जूलिया थी, क्योंकि इवान और फीलिक्स दोनों ही अपने घमंड की वजह से रिहर्सल्स में देरी कर रहे थे। और फिर एक दिन जब वो दोनों अपने अवार्ड्स लेकर आए, तो लोला के पास पहुंचते ही वो दोनों गर्व से उनके बारे में बताने लगे। इवान ने उस वक्त एक ऐसा अवार्ड भी दिखाया जो उसके दिल के बहुत करीब है, क्योंकि वो अवार्ड उसके स्टूडेंट्स ने उसे दिया था। पर फिर लोला ने उन दोनों को अपने अगले एक्सरसाइज के लिए कुर्सी से बांध दिया और उनकी आंखों के सामने उनके अवार्ड्स तबाह करने शुरू कर दिए। एक एक करके वो दोनों अपने सारे अवार्ड्स बर्बाद होते देखते रहे और लोला को वो रोक भी नहीं पाए। इस सब की वजह से फीलिक्स अपना आपा खोने लगा, पर किसी तरह इवान ने उसका गुस्सा शांत किया।
एक तरफ इवान अपना बदला लेने के लिए लोला की चीजें बर्बाद कर रहा था, तो दूसरी तरफ लोला अपनी ही दुनिया में गुम थी। फेलिक्स ने लोला पर केस कर दिया और अवार्ड्स के बदले उनकी कीमत मांगी, पर लोला ने उसे कुछ भी नहीं दिया। हार मानकर फेलिक्स को अपने गुस्से पर काबू करना पड़ गया और आगे की रिहर्सल्स का हिस्सा बनना पड़ा। उस दिन फेलिक्स ने लोला और इवान को बताया कि असल में उसे कैंसर है, इसलिए वो हर रोज डॉक्टर से मिलता है। उसने कहा कि वो चाहता है उसकी ये आखिरी फिल्म उसकी सबसे बेहतरीन फिल्म बने। ये सुनकर लोला और इवान दोनों ही इमोशनल हो गए। लोला फेलिक्स की हालत जानकर इतनी परेशान हो गई कि दिन रात अपने एक्टर को खोने के डर में जीने लगी और उसका ध्यान अपने काम से हटने लगा। पर इस बारे में इवान से बात करने पर इवान ने कहा कि अगर फेलिक्स फिल्म पूरी होने से पहले मर गया तो वो दोनों भाइयों का किरदार खुद निभा लेगा। लोला इस सब से अपना ध्यान हटाना चाहती थी, पर फिर फेलिक्स ने उन दोनों को बताया कि कैंसर की बात झूठी थी और वो बस ये साबित करना चाहता था कि वो इतना अच्छा एक्टर है कि उन्हें अपने झूठ पर यकीन दिला सकता है। सच जानकर लोला फेलिक्स से बेहद नाराज हो गई, क्योंकि वो दिन रात फेलिक्स के लिए रोती रही और फिर उसने फिल्म छोड़ने का फैसला कर लिया। इस बीच इवान ने कह दिया कि फेलिक्स का तरीका गलत था, पर उसने सच में साबित कर दिया कि वो इवान से बेहतर एक्टर है। उसने कहा कि एक एक्टर का काम ही झूठ बोलकर ऑडियंस को उस झूठ पर यकीन दिलाना होता है, और इवान के मुंह से आई तारीफें फेलिक्स को किसी भी अवार्ड से बेहतर लगी। वो इतना खुश हो गया कि वो इवान को भगवान मानने लगा। पर इस बार इवान तारीफ करने की एक्टिंग कर रहा था और ऐसा करके वो अपने आप को फेलिक्स से बेहतर एक्टर साबित कर रहा था। इन दोनों एक्टर्स के इस बचपने में लोला परेशान हो रही थी और जल्द से जल्द ये फिल्म खत्म करके उन दोनों से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। फेलिक्स का असिस्टेंट इवान से इम्प्रेस हो गया और उससे एक्टिंग सीखने लगा, और उसकी इस हरकत की वजह से फेलिक्स ने उसे नौकरी से निकाल दिया। लोला, इवान और फेलिक्स से इतना ज्यादा परेशान हो गई थी कि उसने रिहर्सल्स करने बंद कर दिए। वो अकेली अपनी दुनिया में गुम थी और अपने आप को वो गालियां दे रही थी जो उसे दुनिया वाले देते हैं। पर कुछ दिनों बाद उसे फिर से रिहर्सल्स का हिस्सा बनना पड़ा। इस बार रिहर्सल्स के दौरान उसने फेलिक्स और इवान से कहा कि उन्हें एक दूसरे से सच में नफरत करनी होगी, इसलिए उन्हें एक दूसरे को गालियां देनी होगी। उन दोनों को गालियां देते देख वो खुश होने लगी और अपना बदला उसे मिल गया। आखिरकार वो सब फिल्म के आखिरी सीन तक पहुंचने में कामयाब हुए और कैमरा के सामने उन्होंने एक आखिरी रिहर्सल की शुरुआत की। वो दोनों ही एक्टर्स अपने किरदार अच्छी तरह निभा रहे थे और उनके साथ साथ लोला को भी यकीन होने लगा कि रिहर्सल्स ने उन्हें बेहतर एक्टर बना दिया है। स्क्रिप्ट के मुताबिक मैनुअल अपने भाई पेद्रो की जान ले लेता है और भेष बदल कर उसके घर में जाकर उसकी पत्नी लूसी के साथ रहने लगता है, और रिहर्सल्स के दौरान ये पूरा सीन सही हुआ। शूटिंग शुरू होने से पहले हुम्बेर्टो ने एक पार्टी रखी जहां उसने अपने सारे दोस्तों को बुलाया। उस पार्टी में उसने इवान और फेलिक्स की तारीफ की, पर इवान को फेलिक्स की तारीफ अच्छी नहीं लगी। और जिस वक्त लोला अपनी स्पीच दे रही थी, उस वक्त इवान की पत्नी वायलाटा ने कहा कि वो चाहती है फेलिक्स उनकी भतीजी एमिलिया के जन्मदिन के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करे। अपनी पत्नी की ये हरकत इवान को बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो शराब के नशे में वहाँ से दूर जाने लगा। वो मातियास के पास चला गया और उसे अपने साथ छत की ओर ले जाने लगा। ठीक उस वक्त फेलिक्स छत के पास आया और उसने इवान को ये कहते सुन लिया कि उसने अपनी जिंदगी में फेलिक्स जितना बुरा एक्टर कहीं नहीं देखा है। इवान फेलिक्स की बुराइयां करते जा रहा था और चुप होने को तैयार नहीं था, इसलिए परेशान होकर मातियास वहाँ से चला गया। और तब फेलिक्स गुस्से में वहाँ आ पहुँचा और गलती से गुस्से में उसने इवान को छत से नीचे गिरा दिया। अपनी इस गलती की वजह से फेलिक्स बुरी तरह डर गया, पर उसने फैसला किया कि वो अपनी एक्टिंग से इस सच को छुपा कर रहेगा। वहाँ मौजूद लोग इवान को इस तरह देखकर परेशान हो गए और सब ये सोचने लगे कि इवान खुद छत से कूदा है। फेलिक्स हैरान होने की एक्टिंग करने लगा, पर उसे देखकर लोला समझ गई कि ये काम उसी का है। फेलिक्स भी लोला से ये सच छुपा नहीं पाया। अंत में फिल्म पूरी हुई और उस फिल्म में दोनों भाइयों के किरदार फेलिक्स ने खुद निभाए, पर इस सब से लोला बिल्कुल खुश नहीं थी। लोला ने मीडिया के सामने कह दिया कि ये फिल्म खास नहीं है और उसे खुद अपनी ये फिल्म पसंद नहीं आई। मीडिया ने जब इवान के बारे में पूछा तो फेलिक्स ने कहा कि उसे बहुत दुख है कि इवान कोमा में है और शायद वो कभी ठीक न हो पाए। पर लोला जानती थी कि इवान को अपना दोस्त और गुरु बताना फेलिक्स का एक नाटक है। आखिरकार अपनी लेगेसी कायम रखने के लिए हुम्बेर्टो को एक ब्रिज बनवाना पड़ा, क्योंकि उसकी फिल्म किसी को पसंद नहीं आई। फेलिक्स हॉलीवुड लौट गया जहां लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, और कुछ दिनों बाद इवान कोमा से बाहर आया और होश में आते ही वो फेलिक्स को बद्दुआएं देने लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।